नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत सुलियाली का एक ऐसा मामला सामने आया है कि गांव का ही एक गरीब परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। परिवार के पास रहने के लिए खुद की छत नहीं है और कमाने वाला भी कोई नहीं है। ये किस्सा सुलियाली पंचायत के गांव लोहरापुर वार्ड नंबर 2 का है। वार्ड नंबर 2 की रहने वाली 48 वर्षीय शिरोहणी देवी जो कि विधवा है और उनके परिवार में उसके 2 बच्चे हैं, जिसमें बड़ी लड़की उर्मिला 22 वर्ष बचपन से ही अपंग है और दूसरा लड़का 17 वर्षीय अमन है। घर का सारा खर्च शहणो देवी नरेगा में दिहाड़ी लगाकर अपने घर का पालन पोषण कर रही है। शहणो देवी का अपना एक कमरा था जिसमें पूरा परिवार रहता था। वो कमरा भी इस बरसात में रहने लायक नहीं रहा है और पूरे कमरे में दरारें आ गई हैं। शहणो के जेठ के पास 2 कमरे हैं। जेठ यशपाल ने अपने 2 कमरों में से 1 कमरा शहणो देवी को रहने के लिए दे दिया है। अब शहणो देवी अपने जेठ यशपाल द्वारा दिए गए कमरे में रह रही हैं। शहणो देवी काफी समय से बीपीएल परिवार में हैं। हाल ही में शहणो देवी की बेटी उर्मिला जो कि अपंग है ने लोहरापुर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन किया। वहां पर भी अपंग होने के बावजूद भी उर्मिला को ना रखकर इस परिवार के साथ अन्याय हुआ है। अब शहणो देवी के परिवार को बीपीएल से भी नाम कटवा कर दर दर ठोकने खाने को मजबूर कर दिया गया है। नंबर लगी सकता मैं किया भी करिए कुड़ी के फार्म पर एक गरीब जन कोई कमाने वाला लोग बच्चे भी छोटे कुड़ी का नंबर लाया कोई धक्के कने ना और कोई रखाई तो साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई जो वो लगी और जनानी जिंदा भी दो मजना मकान गड्डिया होंगे चल दया साड़ी गरीबा कोई सुनाई नहीं की और मेरा कमाने वाला कोई ना। दूसरी गल मेरा ना अंत चा ए भी कटिया गया इतना ग्राम सभा टपाई था कने कोई पता नहीं लगा भी कुन्ने कटाया कोई नहीं जो लिस्ट आए बने गए तो मेरा ना नहीं ये छानबीन होनी चाहिए कड़ी ये ना मेरा कुन्ने कटिया और मकान बन मेरे से जेठे कमरे च रहनिया वह भी उपरे का टुट भज हो गया सब कुछ। सुलियाली के पूर्व प्रधान कृष्ण हरि ने बताया कि शहणो देवी का नाम IRDP में काफी समय से था क्योंकि वह विधवा थी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे। शहणो देवी की बेटी बचपन से ही अपंग है जिसका फिलहाल लोहारपुरा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए आवेदन किया गया था। वहां पर भी अपंग होने के बावजूद भी इसका ना रखकर इसके साथ अन्याय हुआ है और हाल ही में IRDP की लिस्ट से भी इसका नाम कटाकर परिवार के साथ भद्दा मजाक किया गया है। कृष्ण हरि ने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि इस सारे मामले की उचित जांच की जाए और गरीब परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। श्रीमती शानू देवी निवासी लोहारपुरा ग्राम पंचायत सुडैली की विधवा औरत है जिसकी बच्ची ने कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे लोहारपुरा में एक आंगनबाड़ी की पोस्ट खाली हुई थी उसके लिए अप्लाई किया हुआ था तो पता नहीं किन कारणों के कारण उसकी हैंडीकैप बच्ची को जो है वो नहीं रखा गया। उसके बाद अभी मुझे पंचायत के सोर्सों से ज्ञात हुआ है कि शहणो देवी का नाम जो वो IRDP से भी काट दिया गया है और जो कि ग्राम सभा से कंफर्म किया गया ग्राम सभा में उसका नाम जो वो डाला गया था लेकिन उसके तुरंत बाद जो है वो पता नहीं किन कारणों के कारण जो उसका नाम किस व्यक्ति ने जो वो काटा है। इस बहुत ही गरीब औरत है छोटे छोटे बच्चे हैं एक हैंडीकैप बच्ची है और जगह जमीन भी कोई इतनी ज्यादा नहीं है जिससे जो उसका पालन पोषण जो ठीक से कर पाए। अपना घर भी नहीं है क्योंकि वो किसी के घर में अपने जेठ के कमरे में रह रही है वो भी बड़ी खस्ता हालात में है घर की स्थिति तो इस चीज की जांच भी की जाए और उसको जो है न्याय दिलवाया जाए और IRDP में जो है उसको जो डाला जाए। वहीं सुलियाली पंचायत के वर्तमान उप प्रधान नरेश कुमार ने जब इस घटना के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि शहणो देवी का बीपीएल में नाम था और ग्रामीणों ने उसका नाम कटवाया है। उन्हें ये जानकर दुख भी हुआ कि ग्राम सभा शुरू होने से पहले ही उन्होंने कहा था कि कोई भी अपना नाम डलवाना चाहता है एक समूह बना कर आए तो कृपा इस बात का ध्यान रखा जाए कि इस पंचायत में कोई गरीब से गरीब व्यक्ति ना छूट जाए। उसके उपरांत ही ऐसा देखने को मिला कि इस लिस्ट में शहणो देवी का नाम नहीं आया है। ये फैसला ग्राम सभा का था लेकिन जब उन्होंने उस परिवार की स्थिति देखी है और वे विधवा औरत अपनी अपंग बेटी के साथ रह रही है तो वे चाहते हैं कि गरीब परिवार की मदद अनिवार्य की जाए। बीपीएल की बात तो ये हमारे स्तर की नहीं है फिर भी जब भी ग्राम सभा होगी वे खुद
प्रस्ताव भेजकर डीसी के मांग करेंगे। हमें मुझे भी ये जानकर दुख हुआ, इससे पहले कि ग्राम सभा शुरू हो मैंने शुरू में ये कहा था कि कोई भी अपना नाम डलवाना चाहता है कोई एक समूह बन के, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें कि हमारी पंचायत में कोई गरीब से गरीब व्यक्ति ना छूट जाए, वो एक पुण्य नहीं पाप होगा। उसके उपरांत भी ऐसा देखने में मिला कि उनका उसमें लिस्ट में नाम नहीं आया, ये फैसला ग्राम सभा का था। लेकिन जब से मैंने उस परिवार की स्थिति देखी है कि वो एक विधवा औरत है और उसकी एक बेटी अपंग है, और मैं चाहता हूं कि ऐसे गरीब परिवार को मदद बहुत ही अनिवार्य है। बीपीएल की यहां बात है, ये मेरे स्तर की बात नहीं है, फिर भी मैं जब भी ग्राम सभा होगी, मैंने एक प्रस्ताव भी डीसी महोदय को भेजा है। खंड विकास अधिकारी प्रकाशन से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी उनके पास ग्राम सभा की लिस्ट नहीं आई है, जैसे ही लिस्ट उनके पास आएगी वे ध्यानपूर्वक इसको देखकर सही जांच करेंगे। वहाँ की ग्राम सभा की लिस्ट जो मेरे पास नहीं आई है, जैसे आएगी उस हिसाब से फिर मैं इसका देख लूंगा। अगर कंप्लेंट वगैरह इसकी है, आप कह रहे हैं कंप्लेंट है, तो एक्चुअली मैं इसको बड़े ध्यानपूर्वक सोच विचार करके देखूंगा इस केस को।